धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भद्रे विशाल भगवान की पूर्णागिरी मैया की धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हम पार्वती पते हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय मातामरकतश्यामा मातङ्गिमदशालिनी कटाक्षयतु कल्याणि कदम्बरुहवासिनी। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच की शोभा बढ़ा रहे ब्रह्मचारी डॉक्टर इंदु भवानंद जी, साईं जल कुमार मसंद साहिब जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री नीलकंठ त्रिपाठी जी, यहाँ पर समुपस्थित आदरणीय मातृशक्ति सज्जनों, नीलकंठ विहार में नीलकंठ महादेव के मंदिर में नीलकंठ तिवारी के द्वारा हम लोग आमंत्रित किए गए। सब कुछ नीलकंठ ही नीलकंठ है। नीलकंठ माने हम सोच रहे थे क्या हो सकता है, नील माने नीला, आप लोग समझते हैं संस्कृत भाषा में नील का मतलब काला होता है, नीलम महोधावती, जो गहरा नीला होता है वो काला ही होता है, इसीलिए नील का मतलब काला और कंठ माने गला, तो जिसका गला काला हो वो नीलकंठ है। नहीं, मुंह काला वाली बात नहीं है, वो अलग बात होती है, नीलकंठ अलग बात है, यही समझने की जरूरत है। ये जो मुंह काला वाली बात है उससे विरुद्ध है ये नीलकंठ, गला काला ऐसे अलग है कि गला उसका काला होता है जिसके लिए लोग बुरा बोलते हैं, माने जब कंठ से ही आवाज़ निकलती है और जब आवाज़ काली किसके लिए होती है उसी के लिए नीलकंठ, और सच बात यह है कि जो अच्छा करने चलता है उसी की आलोचना होती है, जो बुरा कर रहा है उसकी कोई आलोचना नहीं करता, आलोचना तो संसार में उसी की होती है जो अच्छा करने चला है। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न बजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर के सरिस कृपालु कौन हो सकता है जब सारा सुरवृंद सुर के साथ सब आ गए, वृंद में सारा समूह आ गया, मनुष्य भी उसी में आ गए। समुद्र मंथन के समय में जब मंदराचल पर्वत वासुकी नाग और कच्छप भगवान के सहयोग से समुद्र मंथन होने लगा तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला और उस विष की ज्वाला से सब जलने लगे। जरत सकल सब जल रहे थे,
सब माने यही संसार के मनुष्य तो पशु तो का नहीं, सकल के साथ साथ वो भी सुर वृंद भी। इतनी उसकी उद्दीप्त ज्वाला थी कि देवता भी उसमें जलने लग गए थे। और तब सबके मुंह से क्या निकल रहा था? कुछ और नहीं निकलता जी, आपके सिर में आग लगा दी जाए और आपसे कहा जाए कि नवरस बोलो, आप बोल पाओगे? श्रृंगार रस बोलो, कविता बोलो, होगा? ये कुछ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति जब आती है तो केवल एक ही आवाज़ निकलती है, त्राही माम, बचाओ बचाओ बचाओ। तो चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी, त्राही माम, बचाइए बचाइए। लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि बचाए कौन? जो बचा हो वो तो बचाए, सब तो जल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अगर लोगों को बचाने के लिए कोई आया, कौन आया? महादेव आए, भोले शंकर आए, जिनको आप नीलकंठ कहते हो, वो आए। और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, मैं पिए जाता हूँ। लोग फिर हाहाकार करने लगे, अरे महाराज, इसकी तो ज्वाला से, इसमें लगी हवा से हमारा शरीर जल रहा है, अगर आप पी लेंगे तब तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। भगवान ने कहा, जो कुछ हो मेरा होगा, मेरा जो होना हो सो हो जाए, संसार की रक्षा होनी चाहिए। जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जे ही पान की। विषम था उनके लिए, कठिन था, सरल नहीं था, लेकिन फिर भी लोक रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया, ऐसे कृपालु दयालु भगवान शिव हमारे पास उपलब्ध हैं, और हम उनकी भक्ति न करके कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। कौन हमारे से मंद होगा? कौन हमारे जैसा मूर्ख नहीं कोई होगा? तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का ये केंद्र बना हुआ है, और महाशिवरात्रि का महोत्सव आप लोग मनाने जा रहे हैं, उन्हीं का पर्व आ रहा है। और धर्म सभा आपने रखी है। धर्म सभा कहने की जरूरत नहीं है, आजकल तो कहना पड़ता है, अन्यथा हमारे यहाँ तो सभा का मतलब ही धर्म सभा होता था। नशा सभा, आपके भारत के संसद भवन में जो जिसको आपने अब रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड संसद भवन में, यही श्लोक लिखा हुआ है, नशा सभा यत्र न संति वृद्धाः, वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम्, धर्मो नशः यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद् यच्छलम् अभ्युपैति। इसका मतलब है कि वो सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध लोग न बैठे हुए। वृद्ध का मतलब ये मत समझ लेना अंगम गलितम पलितम मुंडम, कि बस सारे अंग गल गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुंह से दांत गायब हो रहे हैं, आँखों से रोशनी गायब हो रही है, तो समझ लो कि वृद्ध हो गए। ना ना, वो वृद्ध वृद्ध नहीं है। यहाँ जिस वृद्ध की बात हो रही है वो कोई और वृद्ध है। वो कौन है? इसी श्लोक में आगे बता रहे हैं, नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा सभा नहीं है जहाँ वृद्ध ना हो। और वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम्, वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म न बोलता हो। धर्मानुसारी उचित अनुचित का विवेक करके जो न बोलता हो वो व्यक्ति वृद्ध नहीं है। कम उम्र का है लेकिन अगर धर्म के अनुसार बोलता है तो वो वृद्ध है, और ज़्यादा भी उम्र का भी है लेकिन धर्म के अनुसार नहीं बोलता है तो शास्त्र के अनुसार वो वृद्ध नहीं है। वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम्, धर्मो न सह, और धर्म वो धर्म धर्म भी नहीं है यत्र न सत्यमस्ति, जिसमें सत्य नहीं मिला हुआ है। और सत्यम न तत्, वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल है। इसलिए निश्छल सत्य कहे तव कपट रहित जो धर्म है उसी को हमारे यहाँ धर्म की उपमा दी गई है। तो हमारे यहाँ तो सभा मात्र कहने से धर्म सभा का बोध हो जाता है,
लेकिन अब कई लोग सभा करने लगे, इसीलिए धर्म सभा धर्म विशेषण लगा करके सभा बोलना पड़ता है, मजबूरी है। जैसे धर्म का मतलब सनातन धर्म है, धर्म माने धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, लेकिन अब कई लोग अपने आप को धर्म कहने लग गए, इसलिए सनातन धर्म, हमको धर्म के साथ सनातन लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से दूसरे लोग भी हैं, अमुक धर्म अमुक धर्म अमुक धर्म। अरे धर्म शब्द हमारे संस्कृत भाषा का है, और तुम संस्कृत भाषा से इतना द्वेष करते हो कि जिसको अपने धर्म में धर्मांतरित करते हो उसको संस्कृत नाम जो है बदल करके तुरंत अपनी भाषा का नाम रख देते हो, माने संस्कृत नाम स्वीकार तक नहीं कर पाते हो। और धर्म शब्द हमारा है, धारणा धर्म ध्रिय धारणे धातु से उत्पन्न शब्द है, तो उस शब्द को दूसरा कोई अपना नहीं सकता, इसलिए धर्म कहने मात्र से सनातन धर्म का यद्यपि बोध होता है, लेकिन बाजार में बहुत से आ गए हैं जो अपने आप को धर्म कहने लग गए हैं, इसलिए धर्म पालन करने वालों को भी अपने धर्म के साथ सनातन विशेषण लगा करके बोलना पड़ रहा है। ऐसे ही सभा के साथ धर्म विशेषण लगा करके हम लोगों को बोलना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो ये धर्म सभा यहाँ पर आरंभ हो रही है, निश्चित रूप से धर्म की चर्चा होगी। जब धर्म सभा बोली बैठेगी, धर्म को बिना किसी हिचक के लोगों के बीच में बोलने वाले, हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो धर्मानुसार आचरण करते हैं, और एक वो हैं जो कहते हैं भैया हमारा आचरण तो धर्म अनुसार नहीं है, हम नहीं कर पाते, लेकिन जब बोलने का मौका आता है तब तो हम धर्म की बात पक्ष की बात बोलते हैं, सत्य बात बोलते हैं, कम से कम बोलने में अभी हमने धर्म बचा रखा है, हम अधर्म नहीं बोलेंगे, जो बात सच्ची होगी वही कहेंगे। और तीसरे वो हो गए हैं जिनके ना तो आचरण में धर्म है ना तो वाणी में धर्म है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो कम से कम हमारी वाणी में और आचरण सब में धर्म होना चाहिए, लेकिन कम से कम वाणी में तो हो, जब हम कहने के लिए खड़े हों तब तो कम से कम हम सच बात बोल सकें, इतना तो साहस हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये जो धर्म सभा आज से 5 दिन के लिए आरंभ हो रही है, इसमें जो चर्चाएँ होंगी उनमें साहसपूर्वक जो सच सत्य धर्म है उसकी बात विद्वानों के द्वारा कही जाएगी, और जब सत्य बात कही जाती है तो फिर उसका किसी न किसी के हृदय में प्रवेश होता है और फिर परिणाम भी होता है। ऐसा नहीं है कि सुन लेने के बाद सब लोग बुला दें, लोग जब सुनते हैं तो कोई न कोई बात उनके मन को लगती है, और फिर वो जब लग जाती है तो उनके जीवन में वो परिवर्तन करने लग जाती है। जितना कुछ वक्ता बोलता है हर बात हर कोई धारण नहीं करता, उनमें से कोई एक बात भी अगर कोई पकड़ ले और उसको जीवन में उतार ले तो उतने से भी बहुत बड़ा परिणाम उसके जीवन में निकल करके आ जाता है। तो ये जो सभाएं हो रही हैं, जो विद्वान आएंगे जो चर्चा करेंगे, उनके द्वारा निश्चित रूप से अच्छी बातें कही जाएंगी, और उनको सुन करके श्रोतागण अगर कुछ भी अपने जीवन में उतारेंगे तो उनका जीवन निश्चित रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान शिव की आराधना इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि भगवान शिव सबसे बड़े गौ भक्त हैं, इनसे बड़ा गौ भक्त दूसरा मुश्किल है मिलना। कैसे? प्रमाण क्या है? अब प्रमाण ये है कि गाय के दूध से नहाते हैं, इनका अभिषेक होता है, दुग्धाभिषेकं करिष्ये, आप लोग जब अभिषेक करने बैठते हैं अगर पूरा दूध आपके पास नहीं होता है तो जो जल होता है उसी में आप थोड़ा दूध मिला लेते हैं, और उस जल से दुग्ध मिश्रित जल धारा से आप भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि गाय का दूध मुझे मिला। इतने गौ दूध गगा प्रेमी कोई दूसरा देवता है? ये भगवान शिव, बाकी दूसरे हैं लेकिन गाय के दूध से पहले दही बनाओ फिर मक्खन निकालो तब प्रेम करेंगे, माखन मिश्री खाए मेरा आनंद गोपाल, अथवा खीर बनाओ खीर बना के भोग लगाओ तब स्वीकार करेंगे, यहाँ कच्चा दूध उबालने की भी जरूरत नहीं है, जैसे गाय माता के थन से निकला वैसा ही भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाए
भगवान से उतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आप कहेंगे इतना से प्रमाण नहीं होता है, तो दूसरा एक औपचारिक प्रमाण भी है। औपचारिक प्रमाण ये है कि हर देवता की ध्वजा में कुछ न कुछ चिन्ह अंकित है, ये भगवान शिव हैं केवल, जिनकी ध्वजा में गाय का बेटा वृषभ अंकित है। इनका एक नाम ही है वृषध्वज, वृषभध्वजाय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय। ये वृषभध्वज हैं, अपने झंडे में वृषभ को चित्रित करके दिखाते हैं, माने सबसे ऊंचा झंडा हमारा रहे और उस झंडे में अंकित है बैल, इसका मतलब गोवंश। तो गोवंश को सबसे ऊंचा अगर कोई देवता रखता है तो वो भगवान शिव नीलकंठ रखते हैं। इसलिए गौ रक्षा की जब बात चले तो भगवान नीलकंठ सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी भक्ति आप लोग करिए, महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए और उसी दिन के बाद गौ माता की रक्षा के लिए थोड़ा सा उपक्रम करना है। क्या उपक्रम है? तो हमने नीलकंठ शास्त्री जी जो आपके हैं, इनको सवेरे ही आज दायित्व दिया है। हमारे पास महंत जी आए थे, उनके द्वारा शाल उल्हा करके इनको वो दायित्व दिया गया है। ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन रायपुर के संयोजक बनाए गए हैं और दो कार्यक्रम अभी होना है, बाकी चुनाव के बाद होंगे। वो दो कार्यक्रम ये हैं, जैसा कि ब्रह्मचारी डॉक्टर इंदु भवानंद जी ने आपको बताया कि 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट गाय को देना है। कैसे देंगे? जहां आपका घर है, जैसे इस कॉलोनी में जिसका घर है, वो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल घर से 10 मिनट के लिए अपने बाहर वाली, अपने ठीक घर के बाहर वाली सड़क पर आना है, बहुत दूर भी नहीं जाना, और 10 मिनट केवल वहाँ खड़े रहना है। अगर सब लोग आपस में बात किए रहेंगे तो अगल बगल के लोग भी निकलेंगे, तो 10 मिनट तो बातचीत करने में निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब 10 मिनट बीत गया। और बस 10 मिनट बाहर आकर के गौ माता का जयकारा लगाइए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का उद्घोष करिए, संकल्प करिए, गाय के बारे में चर्चा करिए और 10 मिनट के बाद जयकारा लगा के फिर अपने घर में जाके अपना काम करने लगी। 10 10 10 माने 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए सबको अपने घर से बाहर, ठीक बाहर वाली सड़क या गली में जा करके खड़े होना है और गौ माता का जयकारा लगाना है जो जहां है। और ये पूरे रायपुर में होना चाहिए, 10 मिनट के लिए रायपुर की सड़कें भर जानी चाहिए और 10 मिनट बाद फिर सब लोग अपने अपने घर में घुस जाएंगे, खाली होके फिर से काम शुरू हो जाएगा। हम लोग पूरे भारत में ये उपक्रम चलाना चाहते हैं। उद्देश्य ये है कि हमारा संदेश भी चला जाए, किसी को कोई तकलीफ भी ना हो, बिना मतलब पैसा भी ना खर्च हो, किसी को खतरा भी ना हो और मैसेज भी चला जाए। तो ये भारत बंद का अनूठा प्रयोग गौ माता के लिए 10 मार्च को सवेरे 10 बजे करना है। एक तो कार्यक्रम ये है और उसके बाद 14 तारीख से पदयात्रा शुरू होगी। तो हम खुद तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करके दिल्ली तक की यात्रा 15 दिन की करेंगे पदयात्रा, लेकिन सबको अगर हम वहाँ बुला लें तो हजारों लोग हो जाएंगे और उन हजारों लोगों को फिर कहाँ रुकाया जाएगा, कहाँ उनका भोजन बनेगा, कहाँ नहाएंगे, बहुत सारी समस्या हो जाएगी। और उसके लिए फिर चंदा करो, चंदा करने के लिए फिर किसी बड़े आदमी से बात करो कि जरा ज़्यादा पैसा दो, और फिर वो एक फाइल लेके आ जाएगा कि महाराज पैसा तो हम देंगे लेकिन इस फाइल को ज़रा वहाँ से पास करवा दीजिए, तो फिर दलाली शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने ये काम न करने का फैसला किया है, हम किसी को बुला नहीं रहे, हमारी पदयात्रा में हम किसी को नहीं बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसको बुलाएंगे उसकी व्यवस्था हम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि करने से फिर वही सब हमको भी करना पड़ जाए, किसी न किसी से फंड मांगो और जिससे फंड मांगो वही हमको चढ़ जाएगा कि हमारा ये काम कराइए। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ये कहा है, लेकिन लोग हमसे कह रहे हैं कि हम भी पदयात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमने कहा है कि ऐसा करो कि जिस समय हम वहाँ पदयात्रा करेंगे उस समय तुम यहीं पर पदयात्रा कर दो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, कोई इस रास्ते से उस रास्ते तक, कोई उस रास्ते से उस रास्ते तक, कोई उस मंदिर से उस मंदिर तक, अपना लक्ष्य अपने ढंग से बना लो और बना करके बैनर पोस्टर ले लो, अपने इष्ट मित्रों को इकट्ठा करो, भाई कहीं 4 लोग कहीं 14 लोग,
कहीं 40 लोग, कहीं 400 लोग, जिसके जितने इकट्ठे हो जाएं और गौ माता का नारा लगाते हुए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए और गौ हत्याबंदी के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं, और उसको सोशल मीडिया में भी डालो, अखबारों में भी और टेलीविज़न में भी छपवाओ, उससे बात सर्कुलेट हो जाएगी, लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि जगह जगह से, गली गली से, गांव गांव से, घर घर से लोग चाहते हैं कि गौ रक्षा हो। एक मैसेज ही तो देना है अपने को। जब ये बात सरकार को पता चलेगी तो सरकार को ये करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार वो काम करने के लिए मजबूर है जिसको जनता चाहती हो। लेकिन जनता जब बताएगी तब ना, माँ का बेटा भी जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, और सरकार वाले वो हमारी बात क्यों करेंगे जब तक हम उनको बताएंगे नहीं। तो इसीलिए अपने लोगों को कुछ न कुछ ऐसा करके उनको बताना है, बताने से आगे बात बढ़ेगी। लेकिन अब इतना संकल्प आप सब लोगों को कर लेना है कि किसी हालत में अब गौ हत्या हमको स्वीकार नहीं है। देखिए बंधुओं, आप हिंदू हैं और गौ हत्या को हिंदू धर्मशास्त्रों में महापाप माना गया है, महापाप। गाय हत्या से बढ़ के कोई पाप नहीं, और ये पाप जो कर रहा हो उसका समर्थन करना भी पाप है, और सरकारें गौ हत्या कर रही हैं और आप उनको वोट देते हैं, तो आपको पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा, बताओ, हाथ जो उठा के बताओ, लगता होगा कि नहीं लगता होगा। गौ हत्यारी सरकारें हैं, अभी तक जितनी सरकार केंद्र में बनी सब गाय हत्या करती, आप उनको वोट देते ही हैं जब चुनाव होता है, तो आपको पाप लगता है कि नहीं लगता। अब उस पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमने इस बार कह दिया है कि जो पार्टी पहले ही चुनाव के घोषित कर देगी शपथ पूर्वक कि अगर हम सत्ता में आए तो हम गौ हत्या बंद करेंगे, पहला काम हमारा यही होगा, उस पार्टी को वोट देने पर तो गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा, लेकिन जिस पार्टी ने ऐसी घोषणा शपथ पूर्वक नहीं की होगी उसको वोट देने पर गौ हत्या का पापी मतदाता भी हो जाएगा। तो आप लोग इस बात का भी इस बार ध्यान करना, जो वोट मांगने आए उससे बोल देना कि भाई हम हिंदू हैं, गौ हत्या के बारे में आपकी आपका शपथ पत्र कहाँ है बताइए, तब तो बात करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। इतना हिम्मत तो आपको भी करनी पड़ेगी, और अगर कर दें तो आप अपनी पसंद की पार्टी को वोट दो। हम किसी पार्टी के लिए हाँ या ना नहीं कह रहे हैं, हम तो दो तरह की पार्टी देख रहे हैं। आप लोग कांग्रेस भाजपा देखते हो, हम कांग्रेस भाजपा नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई पार्टी कौन है और कसाई पार्टी कौन है। भाई पार्टी वो जो हमारी तरह से ही हमारी माता को अपनी माता मानती है। भाई होने के लिए क्या शर्त जरूरी है, यही ना कि हमारी और उस व्यक्ति की माँ एक हो जिसको हम भाई कह रहे हैं, वही तो भाई होता है जिसकी माँ एक होती है। तो जो हमारी गौ माता को माता मानता हो वो हमारा भाई, जो पार्टी भाई माँ मानती हो वो हमारी भाई, और जो उसको काटती हो, जो काटता है वही तो कसाई होता है। इसलिए हम चुनाव के पहले जारी करेंगे दो सूचियाँ, एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची, और अगर कसाई पार्टी को कोई हिंदू वोट देगा तो गौ हत्या का पाप उसको लगेगा, उसका भागी वही होगा। क्यों? क्योंकि उसको बताया जा चुका है, बताए जाने पर भी अगर इस तरह से आगे बढ़ेगा तो पाप का भागी होगा, और पाप जिसके ऊपर लगता है फिर उसको कष्ट भी भोगने पड़ते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है। तो ये सब समझ लीजिए, इस बार खड़े हो जाइए, पूरे देश के हिंदू खड़े हो जाएं, ताकि आने वाली जो सरकार है उस सरकार के द्वारा पहला काम गौ हत्याबंदी का किया जाए और हिंदुओं के माथे पे लगा ये कलंक सदा सदा के लिए मिट जाए। 75 साल हो गए, आजकल 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 करेंगे करेंगे करेंगे, हम तो गौ भक्त हैं, अरे हो तो करो ना, लंबा समय बीत गया। इसलिए अब हम लोग इसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि अब हो जाए, और विशेष करके तब जब कहते हैं कि अब तो राम आ गए, हम राम को ले आए, ठीक है आप राम को ले आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन राम के आने के बाद भी गाय कटेगी? अगर राम के आने के बाद भी गाय कटे तो फिर राम का आना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी तक जो हुआ सो ठीक है, हमने सह लिया, लेकिन अब तो राम की भी दुहाई है, अब ये काम बंद करो, यही अपने को दृढ़ता के साथ कहना है। और इसके लिए हमारे हाथ कान आँख नाक आप लोग बन रहे हैं, और आपकी तरफ से संयोजक के रूप में नीलकंठ त्रिपाठी को हमने घोषित कर दिया है। सब लोग अपने अपने स्तर पर
और अगर जुड़ सकते हैं इनसे तो इनसे जुड़कर, अगर नहीं जुड़ सकते इनसे, किसी प्रकार की किसी को परेशानी है, आप इनके लिए नीलकंठ बनना चाहते हैं, तो फिर आप अपने से अपना गुट बना करके करने लग जाइए, लेकिन गाय के लिए खड़े होइए, यही हमारा कहना है। तो इतना ही कहकर हमको आपने आमंत्रित किया, भगवान ने हमको आने का और अपना दर्शन देने का मौका दिया। इनके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सबके लिए अपना हृदय का शुभाशीर्वाद अभिव्यक्त करते हुए, यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।